keep one seat for our Hanuman ji. He will come to see Ramayana. सीता माँ और श्री राम की पवित्र कहानी हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती है। तो आदिपुरुष ने इस कहानी के साथ ऐसा क्या कर दिया कि लोग रिफान तक मांगने लगे और प्रवास ओम रावत पर पूरा भर के चले जाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा आदिपुरुष की रावण की लोग किन से इंस्पायर है जानते हैं? विराट कोहली। क्योंकि लोगों ने जब इस रावण को पहले वाले रावण से कंपेयर करने लगे तो लोग उसे काला जादू करने वाले बाबा कहने लगे, क्योंकि मूवी में रावण कभी काले कपड़े में दिखाई देते हैं तो कभी टी शर्ट में। रावण के शरीर पर 1 ग्राम तक सोना भी नहीं है और ना ही सोने की मुकुट। और मुकुट से याद आया कि रावण की 2 इमारत वाले सिर है, 5 ऊपर तो 5 नीचे। खाली रावण ही नहीं बल्कि सीता माँ का ये रूप देखकर कई लोगों ने तो कॉस्ट्यूम पर ही सवाल उठा डाला। इतना ही नहीं श्री राम को इन्होंने जीसस बना दी। रावण की बेटे को तो इन्होंने रैपर वाला लुक दे दिया, मतलब इन्होंने वक्त बदल दी, जज्बात बदल दी। ओ भाई, आदिपुरुष मूवी की फैली हुई इस रायता को मेकर जितना समेटने की कोशिश कर रहा है ये उतना ही फैलता जा रहा है। फिल्म के बाद पड़ रही गाली पर ये लोग चुप बैठ जाते तो शायद जनता थक हार के घर चले जाते, लेकिन नहीं, इनको तो सवाई में कुछ कह नहीं है। फिल्म के डायलॉग पर जब कंट्रोवर्सी हुई तब इन्होंने कहा कि अरे भाई ये डायलॉग तो हमारे है ही नहीं, बल्कि यही लोग कह रहे थे कि हमारे फिल्म रामायण की नकल है। और जब गालियां पड़ रहे तो कह रहे कि नहीं नहीं ये तो रामायण से इंस्पायर्ड है। अबे साले, अपनी सवाई में ये लोग जितना जोर से झाड़ू लगाते दिख रही है उतना कीचड़ उनके मुंह पे पड़ रही है। फिल्म से जुड़े कुछ लोग उसी कीचड़ से सने चेहरे का फायदा उठाकर वहाँ से चुपचाप पतली गली घर निकल गए और बाकी जो अभी तक है उनको लोगों ने जूते चप्पल से जूतिया जा रहा है। कुल मिलाकर ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आदिपुरुष के कुछ सीन्स और डायलॉग के बाद जिस तरह से जनता भड़की है, एक बात तो सभी फिल्म मेकर को समझ में आ गई है कि अपने फायदे के लिए किसी धर्म को धंधा नहीं बना सकती। फिल्म रिलीज होने से पहले लोगों की भावना खींचने के लिए ये बोल दे कि ये फिल्म तो रामायण पर बेस है, ये तो भगवान राम की ही कहानी है, ताकि रामायण और भगवान राम का नाम सुनते ही लोग थिएटर में फिल्म देखने चले जाए। लेकिन उसी फिल्म में बॉलीवुड का तड़का लगाने के लिए माता सीता को अनुचित कपड़े पहनाना, भगवान राम को फाइट सीन में पिटता हुआ दिखा देना, बजरंगबली की मुंह से टपुरी वाली भाषा बोलवा देना, और फिल्म देखने के बाद जब लोग इस पे गुस्सा हो तब बेशर्मी से ये भी बोल देना कि यार भाई हम रामायण पे ये फिल्म थोड़े ना बनाई है, हम तो उनसे इंस्पायर्ड हुए हैं। तो बॉलीवुड वाले जितने भी हो ना, तो सभी सुन लो, जितना तुम जनता को चूतिया समझ रहे हो ना उतना जनता चूतिया है नहीं। धार्मिक ग्रंथों में हर एक किरदार की एक गरिमा होती है, उसके चरित्र होते हैं, जो चरित्र लोगों को सैकड़ों साल तक प्रेरणा देती है। इसलिए तुम क्रिएटिव फ्रीडम के नाम से उसे छेड़खानी तो नहीं कर सकते। अगर किसी धार्मिक ग्रंथ के ऊपर फिल्म बना रहे हो तो सीना तान के बोलो कि हाँ हम धार्मिक ग्रंथों पे फिल्म बना रहे हैं, फिर उसमें रिसर्च करो, अगर फिल्म अच्छी हुई तो सारे देश के लोग देखने जाएगी। लेकिन अपने फायदे के लिए किसी की भावना के साथ ऐसे छेड़छाड़ करना वही होगा जो अभी हो रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि बॉलीवुड का नाम ही कॉपी पेस्ट है। जैसे कि आदिपुरुष की कहानी रामायण पर बेस है, इसके सेट की कास्ट हॉलीवुड से उठाया गया है। हनुमान की जो तेल वाले डायलॉग है जहाँ से बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई वो भी कहीं से उठाया गया है, जहाँ से उठाया गया है वो भी सुनाते हैं। घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। क्या बात है, मतलब फिल्म बनाने के नाम पर पूरा चोर बाजार खुल के रखा है। जब राइटर साहब से पूछा गया कि आपने इतना बेहुदा डायलॉग क्यों लिखा, तब कहते कि मैंने नहीं लिखा, बल्कि बहुत सारे कथावाचक ऐसे बोलते हैं। मैं सर जी को बोलना चाहूंगा, अगर किसी कथावाचक रामायण को इंटरेस्ट बनाने के लिए तेल तेरे बाप का इस तरह का भाषा प्रयोग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हनुमान जी के मुंह से ये सब बोलवा देंगे। कथावाचक के वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 1000 लोग होते हैं, लेकिन फिल्म को पूरा दुनिया देखते हैं। फिल्म रिलीज होते ही अरबों करोड़ों लोग देखते हैं और वहाँ पर आप खुद हनुमान जी से ये डायलॉग बोलवाते हैं। और जब इस पे कॉन्ट्रोवर्सी होती है तब बोलते हैं कि आप नहीं 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 ये तो और भी लोग बोलते हैं, और उस पे भी लोग जब नहीं मानते हैं तब बोलते हैं कि भाई गलती हो गई। क्योंकि हकीकत तो ये है कि ये गलती नहीं है, आपने जानबूझकर ये डायलॉग रखी है ताकि मूवी में मसाला ऐड हो सके और जनता हंसेगी भी, क्योंकि सनातनी को अपने धर्म पे हंसते हुए ये सब देखना ये सब आदत है। इसी तरह फिल्म में ग्लैमर ऐड करने के लिए आप माता सीता को शोल्डरलेस कपड़े से दिखाते हो, विभीषण की पत्नी को तो आप एकता कपूर के सीरियल की तरह पेश कर देते हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रामायण के ऊपर बनाते हुए मूवी लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं। उस पर भी जब इतनी बुराई की जाए तब अपनी गलती मानने की बजाय उन लोगों के ऊपर ही सवाल खड़ी कर दिया। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम से आप धार्मिक भावना के साथ नहीं खेल सकते। अगर आपको सच में रामायण के ऊपर फिल्म बनानी है, पहले उसे सही ढंग से रिसर्च करिए, उसके बाद फिल्म को बनाएं। अगर आप सच में राम भक्त है तो नीचे जय श्री राम जरूर लिखे और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।